हिंदुस्तान में त्योहारों को लेकर सदियों से परंपराएं चली आ रही हैं। इन परंपराओं को गांव से लेकर सियासी गलियारों तक अलग ही तरीके से जोश रहता है, लेकिन राजस्थान के टोंक में एक नेताजी को राखी का त्योहार मनाना भारी पड़ गया। टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट से दूसरी बार सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया पूरे तामझाम के साथ फोटो सेशन करवाने की व्यवस्था की। जिले भर के कार्यकर्ता पहुंचे और फिर त्योहार मनाने की परंपरा शुरू हुई। जिले के ऐसे तबके को बुलाया गया जिनमें से ज्यादातर न तो ठीक से देख सकते और न सुन सकते और न ही ठीक से चल सकते। मतलब राखी के पर्व की फोटो खिंचवाने के लिए सियासत ने दिव्यांगों को बुलाया था। टोंक शहर से लेकर निवाई समेत कई गांवों, कस्बों और शहरों की दिव्यांग बहनों को राखी बंधवाने के लिए बुलाया गया था। सबने बारी बारी से सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया भैया को प्रेम से राखी बांधी, तो नेताजी ने भी बड़े भाई का फर्ज निभाने की पूरी कोशिश की, सबको साड़ी और उपहार दिए। लेकिन जैसे ही निवाई से आई दिव्यांग बहन को साड़ी उड़ाकर उपहार देने लगे तो ये बहन फूट फूट कर रोने लगी। दरअसल दिव्यांग महिला सुखवीर सिंह जौनपुरिया के वादा खिलाफी से दुखी थी। पीड़िता ने बताया कि 2 साल से सांसद स्कूटी देने का वादा करते हैं, लेकिन आज तक वादा पूरा नहीं हुआ। सर मुझे कुछ भी खुशी नहीं है सर, उन्होंने मेरा प्रॉमिस पूरा नहीं किया उन्होंने मेरा। मेरे को मांग चाहिए थी, मेरे को स्कूटी के लिए बोल रहे हो 2 साल से, नहीं मिल पा रही सर। कार्यक्रम के बाद सांसद सुखबीर ने सिर्फ अपनी बाबाही के ही कसीदे पढ़े, लेकिन पीड़ित महिला की मांगों को लेकर कुछ नहीं बोले। इस रक्षाबंधन के पर्व पर मैं सभी दिव्यांग बहन भाइयों को बुलाकर उनका सम्मान किया है, उनके सबके साथ राखी बंधवाई है, बड़ा अच्छा लगा है, ताकि वो भी मेरे परिवार के सदस्य हैं। उन सबके साथ हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने सबने राखी बंधवाई है, उनको सबको खाना खिलाया, उनको सबको हमने कपड़े भी कुछ भेंट भी उन सबको दिया है। नेताजी की वादा खिलाफी कोई नई बात नहीं है। इस महिला की पीड़ा से इतना तो साफ हो गया है कि नेताजी सिर्फ अपनी सियासी विसात बिछाने के लिए वादा करते हैं और फिर भूल जाते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि टोंक जिला प्रशासन ऐसी जरूरतमंद महिलाओं को योजनाओं के जरिए लाभ देकर उनके नासूर बन रहे जख्म पर मरहम लगाकर भरोसा बनाने की कोशिश करेगा, ताकि जनता को लगे कि सरकार की योजना सिर्फ उनके लिए बनती है, नेताजी की सियासत चमकाने के लिए नहीं। पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया, टोंक। तो आपने देखा पूरे प्रदेश में किस तरीके से धूमधाम से राखी का त्योहार मनाया जा रहा है। कहीं पर उम्मीदें हैं तो कहीं पर रक्षा का वचन दिया गया है, और ऐसे त्योहार ये आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। फिलहाल विशेष मित्र है। आम आवाम के लिए